भीलवाड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में कैशियर 2,51,00,000 रुपए लेकर फरार हो गया, जिसकी जानकारी बैंक प्रबंधन को मिलते ही खलबली सी मच गई। बैंक प्रबंधन ने कैशियर के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। भीलवाड़ा महिला अर्बन बैंक घोटाले के बाद यह शहर में दूसरी बड़ी घटना है। बैंक के प्रबंधन संचालक धर्मेंद्र वर्मा ने कहा कि हमने जयपुर निवासी कैशियर राजेश कुमार शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वहीं रोजाना कैश वेरिफिकेशन करने वाले कर्मियों के खिलाफ भी बैंक प्रशासन कार्रवाई करेगा। एक सवाल के जवाब में वर्मा ने बताया कि कैश वेरिफिकेशन करने वाले कैशियर शर्मा 10 रुपए के नोटों की गड्डी के आगे और पीछे 2,000 रुपए के नोट लगाकर गिना देता था, जिसके कारण उसके खिलाफ कभी भी कोई मामला उठा ही नहीं। शाम को जब कैश गिना गया तो पाया कि 2,51,000 समथिंग नोट कम पाए गए। कैशियर दिन में ही गायब हो गया था। तत्काल कैशियर के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज कराई। दिनांक 1/1/2018 को 19 को संचालक मंडल की मीटिंग हुई। संचालक मंडल की मीटिंग के अंदर ये निर्णय लिया गया कि कैशियर के खिलाफ जो FIR दर्ज कराई और अन्य अधिकारी जो इस कार्य में लापरवाही बरती उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें निलंबित किया जाए।